पिछले कुछ समय में आईपीएल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और यह चर्चा आईपीएल के मेगा ऑक्शन को लेकर हो रही है। जैसा कि सभी को पता है कि जैसा यानी कि बीसीसीआई अध्यक्ष हर 3 साल में एक बार आईपीएल का मेगा ऑक्शन करवाते हैं, जिससे कि सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों को अपने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ता है और बाकी खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ता है। तो 2025 के लिए भी आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई और टीम मालिकों के बीच में एक मीटिंग हुई है और यह मीटिंग 31 जुलाई को हुई थी और इस मीटिंग में कोलकाता के मालिक यानी कि शाहरुख खान और पंजाब किंग्स के मालिक नेस कार्डा के बीच में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई। इन दोनों के बीच में बहस की असली वजह के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और अब तक आईपीएल के 17 सीजन हो चुके हैं। आईपीएल के बारे में आगे बात करें तो आईपीएल की ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार मुंबई और चेन्नई के नाम हुई है, जहां पर दोनों टीमों ने ही 5 बार यह कप अपने नाम किया है। इसके साथ ही आईपीएल में कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनको एक बार भी ट्रॉफी नहीं मिली है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की टीम का नाम आता है। और इन टीमों को आईपीएल की ट्रॉफी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि इनकी टीम का संतुलन में नहीं रहना, जिसको देखते हुए अब बीसीसीआई ने 3 साल से मेगा ऑक्शन रखना शुरू कर दिया है। इस मेगा ऑक्शन के अनुसार सभी टीमों को अपने खिलाड़ियों को वापस छोड़ना होगा और केवल 3 ऐसे खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ेगा। 2021 के बाद में अब 2025 में भी आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो रहा है, जिसके लिए टीम मालिकों और बीसीसीआई के बीच में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में बात करें तो इस मीटिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान, हैदराबाद की ओर से काव्य मारियन, दिल्ली कैपिटल की ओर से किरण कुमार ग्रंथी और साथ ही पार्थ जिंदल, लखनऊ की टीम की ओर से संजीव गोयकल, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रूपा गुरुनाथ, राजस्थान रॉयल्स की ओर से मनोज बिडाने और साथ ही बेंगलोर की ओर से प्रथमेश मिश्रा शामिल थे। इसके साथ साथ कुछ टीम मालिक ऐसे भी थे जो कि इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वो वीडियो कॉलिंग के जरिए टीम का हिस्सा थे, जिसमें नाम आता है मुंबई इंडियंस की टीम मालिक अंबानी परिवार का। इस मीटिंग के बारे में बात करें तो यह खास मीटिंग खिलाड़ियों की रिटेन को लेकर चल रही थी, जिसमें यह फैसला लेना था कि कुल कितने खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन में रिटेन किया जा सकता है। और बात करें मेगा ऑक्शन की खास खबरों के बारे में, तो इस मेगा ऑक्शन में शाहरुख खान ने अपना तर्क रखा है। शाहरुख खान का कहना है कि आईपीएल ऑक्शन को खत्म किया जाना चाहिए और साथ ही शाहरुख खान की बातों में हैदराबाद की मालिक काव्य मारियन ने भी साथ दिए हैं, लेकिन पंजाब की सह मालिक नेस वाडिया शाहरुख खान के खिलाफ दिखी, जिसको लेकर शाहरुख खान और उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई। लेकिन इस बहस के बाद में हैदराबाद की टीम के मालिक काव्य मारियन ने शाहरुख खान का पूरा साथ दिया और साथ ही उन्होंने अपनी बात भी रखी कि 3 साल के मेगा ऑक्शन के बाद में खिलाड़ियों को रिटेन करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि 3 साल के अंदर खिलाड़ियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ही काव्य मारियन ने बताया कि जैसे कि अभिषेक शर्मा को 3 साल में हैदराबाद ने अपनी टीम में तैयार किया है और साथ ही ओपनिंग में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज बनाया है, तो अब 3 साल के बाद में अभिषेक शर्मा को छोड़ना हैदराबाद के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। तो अभिषेक शर्मा का उदाहरण देते हुए काव्य मारियन ने बीसीसीआई के सामने यह तर्क रखा कि खिलाड़ियों को रिटेन की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर आईपीएल मेगा ऑक्शन को खत्म करना चाहिए। और एक तरह से आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बारे में शाहरुख खान और काव्य मारियन की बातें बिल्कुल सही भी लगती हैं और बीसीसीआई ने इनकी बातों पर फैसला लेने के लिए 31 अगस्त तक का समय मांगा है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बीसीसीआई आईपीएल का मेगा ऑक्शन 3 साल के स्थान पर 5 साल के बाद में करवाने लग जाए और साथ ही मेगा ऑक्शन में रिटर्न की जाने वाली संख्या बढ़ा दी जाए। और अगर आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2025 में होता है और साथ ही मेगा ऑक्शन में केवल 3 खिलाड़ियों को रिटर्न किया जाता है, तो चेन्नई की टीम को भी एमएस धोनी को इस बार खोना पड़ सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी के बीच में संबंधों के बारे में पूरी तरह से बता रखा है। तो अब अगर आईपीएल का मेगा ऑक्शन करवाया जाता है तो उस मेगा ऑक्शन में कुछ टीमों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें पहली टीम आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बेंगलोर जो कि बहुत सालों से एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए तरस रही है, तो आईपीएल के मेगा ऑक्शन के चलते बेंगलोर की टीम बहुत से अच्छे से खिलाड़ियों को खरीद सकती है। साथ ही इसमें अगली टीम का नाम आता है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की हालत पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, जहां पर यह टीम आईपीएल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाती है और इस टीम के मालिक प्रीति जनता को हर बार हताश होना पड़ता है। पंजाब किंग्स के साथ साथ ही दिल्ली कैपिटल्स का भी यही हाल है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस बार ऋषभ पंत कप्तान भी छोड़ सकते हैं और दिल्ली कैपिटल को हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है। दिल्ली कैपिटल के बाद में हाल ही में 3 साल से जुड़ी हुई लखनऊ सुपर जायंट का भी यही हाल है। लखनऊ की टीम हर बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, लेकिन इसके बाद भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाती है। और इस बार तो हाल यह है कि लखनऊ की टीम से लखनऊ के कप्तान केएल राहुल भी विदा ले रहे हैं, तो इसके लिए लखनऊ की टीम के लिए मेगा ऑक्शन फायदे में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए कौन से रहे हैं। तो वह वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें।